Gila emang keren tuh. Kan, keluar tuh. गाइस मेरा नाम इंतो गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज ना मैं कुछ ज्यादा ही महंगा खर्चा करने जाने वाला हूँ, लेकिन वो वर्थ भी है और मेरे काम का भी है। आप लोगों को जैसे पता है अभी रिसेंटली से काफी ट्रैवलिंग हमारा बढ़ गया है, प्लस दिसंबर आ रहा है, दिसंबर के एंड में भी हमारा कोई ना कोई होपफुली ट्रिप का प्लान रहेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो क्या होता है जनरली मुझे बहुत ज्यादा वर्कलोड पड़ता है कि मैं जब ट्रैवल के लिए जाऊँ तो मैं ट्रैवल के वक्त ज्यादा काम नहीं कर पाता हूँ क्योंकि थोड़ा वर्क फ्लो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। एंड मैं वापस आने तक के डेट्स गिन के रखता हूँ और सारे वीडियोस अपलोड करके जाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कंटेंट एक भी मिस ना हो, ना ही मिनी ब्लॉग का, ना ही व्लॉग का, ना ही प्रैंक का, सारे कंटेंट में सारे अपलोड करके जाता हूँ। तो उसके रिलेटेड मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है आज, ताकि मैं भी कम लोड लूँ, आपको भी रेगुलर कंटेंट मिले और मैं ट्रैवल करते करते भी काम कर पाऊँ। क्या लूंगा, कैसे लूंगा, सब मैं जाके बताता हूँ। अंकिता को इस बारे में अभी तक नहीं पता है क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं कुछ ले रहा हूँ और कुछ अच्छा बढ़िया सा कुछ प्लान कर रहा हूँ और प्रैंक ना करूँ, ये कैसे हो सकता है? तो वो प्रैंक क्या होगा वो भी आपको पता नहीं चलेगा। अंकिता ऑलरेडी नीचे वेट कर रही है, मैं फटाफट भागता हूँ, गाड़ी में निकलता हूँ, लेट ना हो जाए क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हूँ वो चीज के लिए। आप लोग तब तक सबसे पहले बेल आइकन के साथ इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड वीडियो को फॉलो कर लेना, अंकिता के चैनल और हिरन में ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना, सारे मिनी ब्लॉग्स वहीं पे आते हैं। चलते फिर की तरफ। तो घर से निकल चुके हैं, मैं कर रहा हूँ वीडियो और मैंने ना नहीं इस बात का थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं कुछ लेने जा रहा हूँ। मैंने मम्मी को नहीं बताया, अंकिता को नहीं बताया ये मैनेज करने से पहले मैंने कैसे मैनेज किया है। थोड़ा एक्सपेंसिव स्टफ है जो मैं परचेस करने वाला हूँ, बहुत जरूरी चीज भी है। अबे जल्दी बोल। इसीलिए नहीं बताया मैंने अंकिता या मम्मी को, मना हो सकता है ये लोग कुछ रीजंस देते हैं, कुछ समझाते हैं या मना करते हैं या कुछ भी ऐसा होता है जिससे मेरा मन पलट जाता। थोड़ा बजट का इशू था जिसका जुगाड़ मैंने थोड़ा सा मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके किया है। तो या क्या होता है थोड़ी देर में पता चल जाएगा, अपने पास रास्ते में पहुंचने वाले हैं। एप्पल स्टोर में जा रहा हूँ, पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। और पैसे का जुगाड़ कैसे किया है, क्या है क्या नहीं, एक्चुअली जुगाड़ हुआ नहीं है फिर भी मैं चीज ले रहा हूँ, वहाँ जाके बताता हूँ कैसे। आईफोन 13 है घर पे, 14 है, 14 प्रो मैक्स है, 13 प्रो मैक्स है, अपना फोन में नहीं आया। एप्पल वॉच खरीद रहा है तू? वो जरूरी चीज है अंकिता, और 2 सेकंड रुक नहीं सकते, पहुंचने वाले ना। गाइस मुश्किल से 1.5-2 मिनट भी नहीं हुई है हमको बाहर से अंदर आते हुए, जब से मैं वीडियो कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था घर से अंकिता यहाँ तक परेशान करे, पर 2 मिनट में भी ये मेरा सर खा चुकी है पूरा का पूरा। अच्छा। चल कोई आखिरी गैस कि मैं क्या ले रहा हूँ, नहीं पता चल रहा। क्या मेरे नहीं पता चल रहा, क्या बोल रही थी बोल। अंकिता मैं कुछ लेने जा रहा हूँ, उस वक्त मेरे साथ नहीं होगी, गजब बेइज्जती है। मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा जब तेरे को कुछ लेना होगा, देख ऐसा। अंकिता को पता नहीं मैं क्या लेने वाला, तो उसको इंटरेस्ट भी नहीं है, अभी उसका ऐसा लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ। वही चल दिया काम है मेरे को, उसको खुद बहाने से वो खुद गई है। तो पहले ये पकड़, इतना ऊपर का दे रहा हूँ, आइडिया लगा के आया हूँ और ये अंदर से बाहर ही नहीं निकल रही। लंच अभी टाइम पता है ना, तो उसको ऑटोमेटिकली डिनर बोलना चाहिए, लंच नहीं बोलते फिर उसको। सारे पैसे मैंने कैसे उठा लिए, मैंने 1 रुपया नहीं दिया, ठीक है? वो प्यूमा में गई है। सीरियसली इधर आ, हाँ सैनिटाइज किए तूने? कॉन्ग्रेचुलेशन बोल पहले। कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों? अब उनको पूछ प्रमोशन। अरे प्रमोशन हो, पार्टी चाहिए। अरे ऐसे प्रमोशन में कभी किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलते हैं। क्यों? किसी और की कुर्सी पे लात मार के ऊपर आए, जिसकी लात मारी वो और अपग्रेड हो गया। अंकिता वो आईपैड मेरा नहीं है, किसी और ने लिया है। तुरंत इसको जो चीजें खुली मिलेंगी बोले ये लिए, बाद में ये भरोसा नहीं करेंगे मेरे पे। मैंने जो भी लिया है उसमें इनको थैंक यू है, जो भी मेरा बजट इशू था वो इन्होंने सॉल्व कर दिया, इन्होंने अपना कार्ड स्वाइप कर दिया और मुझे इनको थोड़े थोड़े करके देना वापस। नहीं सीरियसली अब यहाँ पे कुछ रिएक्ट मत करना, मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में, यहाँ पे कुछ रिएक्ट नहीं करेगी कुछ भी नहीं, पहले उस पर फोकस करके क्या ले रहे हैं, ठीक है? बीच में कुछ और काम से बात हुई थी मेरी इनके साथ, पर बात बात में मैंने इन्होंने बोला कुछ तुमको लेना है, ब्लैक फ्राइडे नहीं है, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा था, तो मैंने बोला लेना है पर अभी बजट नहीं है। इन्होंने बोला बजट का टेंशन मतलब मैं स्वाइप कर दूंगी बाद में मेरे को दे देना। मैंने बोला मेरा तो 12 महीने पे भी नहीं होगा, तो बोलते थोड़े थोड़े करके जैसे होंगे दे देना। इन्होंने सामने से बोला था मैं मना क्यों करूँगा, इन्होंने मेरा भांडा फोड़ दिया। अब कुछ भी एक्टिंग करूँ नहीं चलेगा। इन्होंने ये भांडा फोड़ दिया, मैं क्या लेने वाला हूँ वो बाद में बताने वाला था। और सीधा पॉइंट पे आ गया, तो कौन सा वाला लिया है? मैकबुक लिया गाइस, पूरा वो फ्लो मेरा खत्म कर दिया इन्होंने। 2 बार फोन करके समझाया था कि मत बोलना जरा। अच्छा भाई मैं बता देता हूँ क्या ले रहा हूँ। तो ये वाला ले रहा हूँ मैं लैपटॉप, एप्पल सारे पोर्ट्स निकालता है, लगाता थोड़ी ना वापस कुछ, इसमें बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं अंकिता, तो एक लेके नहीं होता है कुछ। मोबाइल लेने के बाद भी वो ठूठा लेना पड़ता है ना।
इसमें भी नहीं मिलता, इसमें भी चार्जर से खरीद लोगे ना? हाँ, उसके पैसे हैं मेरे पास, टॉन्ट पे देख के मार रहे। तो इसका इंश्योरेंस चार्जेस ये है, 3 से 3 इयर्स और 2 इयर्स का, ज्यादा डिटेल में मैं बाद में समझाऊंगा। ये वाली बैग ली है और ये कनेक्टर मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, ऑनलाइन लूंगा। एंड ये हार्ड शेल केस लिया है। तो ये लैपटॉप मैंने ले लिया जिसका अनबॉक्सिंग मैं घर जाके करूंगा। ये बैग और वगैरह सब अलग से लेना पड़ेगा मेरे को। तो एसेसरीज वाली चीजें सारी उसको पकड़ा दी है मैंने, और इंपॉर्टेंट माल मैंने उठा लिया है। तो सबसे बड़ा झटका इसको दे देता हूँ ताकि तेरे सामने मैं सब सॉर्ट आउट कर लूँ ना, तो पीछे मेरे को कम जवाब देना पड़े। सबका मिला के कितना बिल हुआ होगा? लैपटॉप कितने का है? कितने का है? मुझे कैसे पता? 2 लाख का लैपटॉप है इनकी तरफ से, पैसे में कॉपी कर ले। दूसरा बैग कितने की? 3,500। और वो 3,000, तो 2 लाख 6,500 मेरे को देने का। एक भी रुपया नहीं दिया। ये शक्ल देखो, तू तो ऐसे ले टेंशन ले रही है जैसे कुत्ते को पैसे देने के हो। अरे कभी भी 1,000, 2,000, 1,500 ऐसे अगर दे। बहुत गुस्से में रख देना, कोई इतना तो रख दे अंकिता यार। ओके गाइस, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, घर जाएंगे, पर घर जाने से पहले 3-4 चीजें लेनी है। बात करनी थी, मेरा बंद कर देना, बाद में बात करें। घर जाके नहीं, मुझे पहले बात, प्लीज घर जाके बात करें। घर जाके मैंने वहाँ पे कांड नहीं किया, तो तुझे शुक्र मानना चाहिए उसके सामने मैं कुछ नहीं किया है। कैमरा चालू है? हाँ तो बंद कर, घर जाके बात करें। अभी बंद कर रिकॉर्डिंग, हिरन मैं बोल रही हूँ, गए जाता हूँ। A few hours later. ओके गाइस, घर पे आ चुके हैं। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं फटाफट कैमरा सेट कर देता हूँ। एप्पल के सारे बैग्स मैंने यहाँ पे रख दिए। रास्ते में अंकिता ने बहुत झगड़ने की कोशिश की, मैंने उसको अवॉइड किया। मैंने उसको बोला जो भी बात करनी थी घर पे जाके करेंगे, बाहर के कार्य सारे काम निपटाने के, पर काम निपटाए बिना सीधा घर पे आ गए। और अंकिता ने नीचे झगड़ना और बात करना शुरू किया। मैंने बोला जो बात करनी ऊपर जाके कर, घर के आसपास और घर वालों को इन्हें सुनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसा झगड़ा करके फटाफट ऊपर आ चुका हूँ, कैमरा सेट करते हैं। अंकिता सीधा आके भड़कने वाली है, तो वहीं से आपको वीडियो देखने मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक टू मी। उसके पास ऐसे करा और उसने भी थर्ड पर्सन से कार्ड करवाया, जैसे अपने कोई अपने पास बजट नहीं है, किसी और को क्यों बताने की जरूरत है? जब अपने पास बजट होगा तब खरीद लेते। इतने वक्त से चला रहे थे या नहीं चला रहे थे बता मुझे, ये टूटी हुई स्क्रीन चला रहे कि नहीं चला रहे अपने? अरे इसीलिए ना अंकिता, तो क्या यार अंकिता, तेरी नींद खराब नहीं होती है ठीक है, और अगर होती है तो तेरी चॉइस होती है, मेरे को प्रॉब्लम पड़ती है। मैं हर टाइम जागती हूँ, भले तू एडिटिंग कर देते, साथ में बैठ के नहीं बैठी रहती हूँ मैं, भले ही बार झूके मार। मैंने बोला मेरे को तो काम करना पड़ता है ना, तू तेरी चॉइस से जागती है। लोन पे ले नहीं सकते थे? नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते? मेरा सिविल स्कोर खराब था। मेरे में ले लेते, तेरे से क्या मालूम है? क्या खुद का थर्ड पर्सन को बोल सकता है कि तू तेरा कार्ड कहीं से स्क्रैच करवा, पर तू मेरी हेल्प नहीं ले सकता? तेरे ईएमआई नहीं चल रहे? मेरी चले तो अपना कहीं ना कहीं हाँ, तो मल्टीपल नहीं मिलती है, कुछ तो कर सकते थे अपने। अंकिता, इतने बड़े अमाउंट की लोन जल्दी ऐसे नहीं मिलती। हाँ देखो, ऐसा लगता है मेरे को शौक हो रहा है। मम्मी से अपने बोल सकते थे ना, मम्मी को अपने चुकौती थे, अपने बाहर किसी को भी बोलना कि कार्ड स्क्रैच करा था कितना खराब लगा। मैंने नहीं कितना बोला, बड़ा यूट्यूबर बन के घूमता है, इतने बड़े शॉर्ट टाइम में इतनी महंगी महंगी कार लेके घूमता है, दिखाता है इतना ज्यादा, और किसी और से कार्ड मैं दिखावा करता हूँ लगेगा ना किसी को भी, वो कैसे सोचेगी? कौन? किनारा। अरे मैंने उसको नहीं बोला था, उसने मुझे बोला, मैंने सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया। कितना बुरा लग रहा था मुझे भी जब बोला था कि अरे तुम एसेसरीज तो खरीद पाओगे ना यार, वो एक बॉन्डिंग है, वो एक महीने बॉन्डिंग का भी इतनी ज्यादा तेरी बन गई? अरे नॉर्मली बात मेरी किसी से भी बन जाती है। मेरे को तो कोई ऐसा नहीं है, मैं किसी को बोलू फोन तो नहीं बनती बॉन्डिंग, मैं क्या करूं? तू इंटरेक्ट नहीं करती है सबके साथ, मैं करता हूँ, भरोसा होता है ना। बहुत डिस्कस्टिंग चीज है कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मुझे ऐसा विश्वास नहीं आ रहा तू ऐसा नहीं कर पा रहा है। मुझे तो लास्ट तक ऐसा लग रहा था कि तू मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है, पर जब परचेस कर लिया ना तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं मजाक नहीं है, तूने पैसे उसको एक भी नहीं दिए है। और मैंने तेरे को लैपटॉप नहीं दिया था गिफ्ट में? मैंने तेरे को दिया था ना, तेरे को तो वो भी नहीं पता कि लैपटॉप कहाँ पे पड़ा है? मेरे को पता है, कबर्ड में पड़ा है, सेकंड शेल्फ पे। तो उसको क्या है कबर्ड में रखने के लिए किया? उसका यूज क्यों नहीं कर सकता है तू?
तूने लैपटॉप मुझे गिफ्ट देने से पहले मुझे पूछा था? नहीं पूछा था। अगर पूछे तो पता चल जाता ना कि मैं क्या, मेरे को पता चल जाता कम से कम मेरी चॉइस का आता, ठीक है? तू तेरी चॉइस नहीं थी यार, लो कॉन्फ़िगरेशन है अंकिता, मुश्किल से एयरड्रॉप भी उसमें कन्वर्ट नहीं होता है। एक मैं माउस सिलेक्ट करने की ट्राई करता हूँ, उसमें कट भी नहीं होता है अच्छे से। तू मेरी गिफ्ट की इंसल्ट कर रहा है। तूने पूछा, मैंने पूछा, क्या मैंने पूछा तेरे को? क्या तूने मेरे को बताया? एक काम कर, बीच मार उसको। देखो क्या लगता है, मेरे को शौक हो रहा था कि इतने टाइम तक ट्रैवल कर रहा हूँ, अब तक बात नहीं करनी है उसको। तू बेच मार जा करके वो पैसे चुका दे, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना कि तू उसको 5,000 भी नहीं दे दे। तेरे को भी एक चीज समझनी चाहिए कम से कम, तेरे अकाउंट में 5,000 भी नहीं है। बता मुझे 5,000 से 3,000 उसको दिए मैंने, तो तू पूरे 1,00,000 रूपए क्यों नहीं दे सकता उसको? अंकिता 2,00,000 के ऊपर का है वो, 1,00,000 रूपए तो दे दे, कहाँ से लाऊं? तेरे अकाउंट में नहीं हूँ इतना मैं मान ही नहीं सकती हूँ ये चीज। चेक कर ले तो कहाँ गए इतने सारे पैसे, बता। 1,00,000 रुपए नहीं है तेरा अकाउंट में, मैं मान ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है मैं बोल रहा हूँ, अब मानना है तो मान, कहीं मैं तेरे को मेरा अकाउंट खोल के दिखाऊंगा नहीं कि कितना अमाउंट पड़ा अंदर। हिरेन तू है ना डिस्कस्टिंग चीज का। हाँ, मैं हूँ डिस्कस्टिंग, अब बोल। मम्मी को भी पता चले तो मम्मी भी बुरा लगेगा कि हिरेन खुद मेरे को आउटडेटेड लैपटॉप देती है, ठीक है, जो मैं एक बार यूज नहीं कर पाया, बस नया करना है वैसा का वैसा पड़ा है। तेरे को बड़ा शौक है ना, तेरे को करना तेरा एडिट तो तू वो ले जा और कर उस पे एडिट। मैंने जो तेरे को लैपटॉप का दिया है वो अच्छी कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इसलिए तू यूज कर पा रही है उसको। तेरे को अच्छे से पता है अगर कोई टेक्निकल चीज का अगर किसी को गिफ्ट देते हैं, स्पेशली जो बंदा यूज करता है, तो उसको कॉन्फ़िगरेशन ऐसा देता है जो उसको काम लगे। इरे मुझे जितने मेरी दिमाग चला था, मैंने मेरे दिमाग नहीं चलता है तेरे दिमाग में, वही बोल रहा हूं। मेरी फीलिंग की तू पड़ी नहीं, तेरी चीजों की तू इंसल्ट दे रहा है। तेरे को एयरपोर्ट मैंने गिफ्ट में दिया, तेरे को पता भी मेरा एयरपोर्ट कहां पे रखा हुआ है वो भी नहीं पता? दीवान के पास पड़ा है। मेरी दी हुई गिफ्ट दीवान को दे दी? दे नहीं दी है उसका। अंकिता पहले पूरा सुनने का रख, पहली बात तो मम्मी को भी बताएगी। वक्त है ना, मैंने तेरे ये तुझे खरीदना था, तूने वो मुझसे एडवाइस नहीं ली, तूने मुझे बोला कि तेरे कियारा से मैं करवा रहा हूँ, कियारा किनारा जो नाम है, किनारा से नाम, किनारा नाम क्या है, किनारा से करवा रहा हूँ। क्या किरियाना किरियाना कर रही है? किनारा किनारा बोली मैं, और नाम है देखो क्या है, अभी तेरी मेरी कन्वर्सेशन चल रही है ना, और उसको भी पता मैं उसके नाम का ना मिस्टेक होता है। बात वो नहीं अंकिता, मेरे लैपटॉप की तू इंसल्ट कर रहा है, जो मैंने तेरे को गिफ्ट में दी थी प्यार से, और अब तू मुझे बता रहा है कि तूने एयरपोर्ट भी दे दी है। मैं भाई तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तू मेरी बात सुनती नहीं है पूरी। तेरे को पता है ना सुबह से उसका नहीं मिल रहे थे ईयरबड्स, उसका ऑपरेशन जाना था पता है ना 3 दिन के लिए, शादी में जाना था, और उसके सारे के सारे काम मोबाइल और लैपटॉप पे होते हैं, वो बस और कैब में ट्रैवल करने वाला था, तो उसके मिल नहीं रही थे। मैंने पूरी कोशिश की ढूंढने की, मेड्स ने काफी कोशिश की, मम्मी ने काफी कोशिश की, तूने भी कोशिश की, मिला नहीं। तो मैंने सिर्फ उसको इतना बोला 3 दिन के लिए मेरे एयरपोर्ट ले जा, तब तक मैं तेरा ढूंढ के रख लूंगा। क्या गलत किया? मैं मेरे कजिन को चीज भी नहीं दे सकता यूज करने के लिए थोड़े दिन के लिए, जस्ट इसलिए कि तूने गिफ्ट दिए तो फिर मत दिया कर। तू मेरी चीजों की इंसल्ट कर रहा है। मैं चीजों की इंसल्ट कहां की? मुझे तू मुझे क्या तूने देवंग को दिया? मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लैपटॉप, तू मेरे लैपटॉप की इंसल्ट कर रहा है, मेरे गिफ्ट की इंसल्ट कर रहा है, लैपटॉप की इंसल्ट नहीं की, और तूने ये लेके पागल औरत ये लेके बैठा हुआ, तू मुझे बोला नहीं है क्या कर रहा है लैपटॉप की? 2,00,000 रुपए का किसी के अंदर से करवाए वो बोल लेगी कि हीरे ना मेरा चाहिए, इसको तो खरीदना था ना, मेरे पास से कार्ड स्क्रैच करवाया, मैंने लैपटॉप की इंसल्ट नहीं। पैसे कब देगा पता नहीं, वो भी हफ्ते में देगा तुझे। एक काम कर, तू अकेली बात करती है, अगर तेरे को सुनना नहीं है तो फिर बोल अकेली करना, यहाँ पर आके क्यों रूम में बैठ के बोल अकेले? तू एक एक टॉपिक पे बोल, मैं बोलना, मैं जवाब देना उसके लिए मौका तो दे। अन्ना गोस्वामी समझती है खुद को, अब इसमें अन्ना गोस्वामी कहाँ से आया? तू बोलेगा तो मैं भी बोलूंगी, बट मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, तू बोलेगा दे रही है। तू बोलता नहीं, तू चीजें कर डालता है, प्रॉब्लम वही है। एक सेकंड, तू कल लेने जाकर के उसको पूरे पैसे दे। तेरे लैपटॉप का बात किसने छेड़ी, किसने निकाली? मेरे लैपटॉप बेचेगा कितना है नहीं लगता है ना, नहीं बेचना, नहीं लगता है, शेल्फ में बैठ रहा हुआ। ऐसा नहीं हुआ, तू मेरे जैसा बन में नहीं सकता। तेरी मेरी थिएटर की पहली टिकट है ना, वो भी मेरे पास अभी तक रखी हुई। तूने मुझे जो रोज दिया था ना, वो भी अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है। तूने जो चॉकलेट दी ना, उसका रैपर भी मेरे पास। मैंने तो बोला बासी चीजें पकड़ इकट्ठे कर कर। तेरे जैसे क्या फीलिंग है? वो गुलाब इतने सारे मैं बार बार लेके देता था, वो कचरे की तरह इकट्ठा कर रखा, इसलिए तो मैंने देना मंग कर दिया था गुलाब। फ्लावर्स देता हूँ मैं इतने टाइम से एक भी, तो मत दे मेरे को भी नहीं चाहिए, खुद जाके खरीद सकती हूँ। हाँ तो खुद खरीदेगी तू उसको डाल देगी, मैं देता हूँ तो इकट्ठा करके रखती है कचरों की जैसे। फाइन हिरेन तू कल जा करके, बस एक मैं चीज है, मुझे नहीं पता तू कहाँ से क्या अरेंज करे, क्या चीज करे, तू उसको जाके सारे के सारे पैसे दे देगा।
पेड़ पे उगते हैं। हाँ, तो पेड़ बना है, ऐसा उगा मैं नहीं जानती यार। मेरे को ऐसा लगता है अंकिता दुनिया में ना सबसे ज्यादा लोड है ना लोग, नहीं तू देती है मेरे को। तो तेरे को इतने तीन दिन फोन लेकर के क्या घूमने की जरूरत है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं EMI पे लेता, ठीक है, अगर मैं EMI पे लैपटॉप लेता तो मुझे हर हफ्ते भरने पड़ते पैसे? हाँ, मैं वही करने वाला हूँ। हिरन ये सही नहीं है, तू ऐसा नहीं है, ऐसा किसी और से करवाना वो चीज सही नहीं होती। तू तीन फोन लेके घूम रहा है ना, उसमें से एक फोन बेच दे, मेरा लैपटॉप बेच दे, वो रॉनिन खरीद के पड़ा हुआ है कोविड के पहले से है, वो बेचारा तरस रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है मुझे खोलो खोलो, वो नहीं खोला है। वो मम्मी ने दिए हुआ वो है ट्राइपॉड जो तुझे चाहिए था, तुझे था बार बार बोल रहा था ओम फाई पड़ा हुआ है, उसको बेच दे। हाँ तो मैं काम करता हूँ, कपड़े पहने वो भी बेच डालता हूँ, गाड़ी बेच डालता हूँ, घर बेच डालता हूँ, है ना, यही काम करता रहो। कोई चीज लेने के लिए चीजें बेचते रहो। ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ये कंप्यूटर में बेच दूं, है ना, तो वो यूज नहीं, कंप्यूटर बेच दूं, सब कुछ बेच दूं, ये टाइल्स निकाल के बेच दूं, ये लाइट निकाल के बेच दूं, पंखा बेच दूं, वो चीजें यूज कर रहा हूं उसको भी बेच दूं, ये बोतल पड़ी है उसको बेच दूं, वो चीजें ये सॉक्स निकाल के बेच दूं मैं। तू जो करना वो कर दे, नहीं करूंगा मैं। और फिर मैं मेरे लाइफ में कुछ नहीं करूं तो तू मुझे, ये सारी चीजें ना हो इस वजह से मैंने तेरे को या मम्मी को नहीं बताया। मुझे पता चल गया ना, मुझे पता चल गया गलती की, अब आइंदा से ऐसी गलती मत करना, जो भी करना हो तेरे हिसाब से डील कर। ये गलती नहीं है, ठीक है अंकिता, मेरे को पैसे देने के तो मफत में, मैं भीख मांग के नहीं लाया हूँ किसी से। अरे पानी को दूध के बोतल की तरह पी रही है। अरे एक नई चीज लाओ, उसमें पहले ही झगड़ा शुरू कर दो ताकि चीज का मूड ही खराब हो जाए। यू कांग्रेचुलेशन हिरेन अमित, तुम्हारे नए लैपटॉप के लिए जो तुमने दूसरों के पैसे खरीदे। मैं उसको वापस नहीं देने वाला क्या? मुझे ना कितना इंसल्टिंग लग रहा था ना उधर खड़ा रह करके। तूने लिया है क्या? मैं ऐसे नहीं रही हूँ, जब मेरी औकात होती है तब मैं चीज खरीदती हूँ, जब मेरी औकात नहीं होती। अब तू मेरे औकात की बात करेगी? मैं खुद के औकात की बात करूँ तो मेरे मतलब इंडिया की, तो मेरी औकात की बात कर रही है ना। जब मेरी कैपेसिटी होती है तब मैं चीज खरीदती हूँ, नहीं होती तो मैं किसी को नहीं बोलती मुझे खरीदना है। अब तू चाहती क्या मैं क्या करूँ? मुझे बता, चल एक बात बता मेरे को करना क्या चाहिए। सुन लेना पूरी लाइन एक बार, कुछ बेच के पैसे नहीं लाने वाला। पहली चीज, इतने पैसे एक साथ देने के लिए अभी मेरे पास है नहीं, अब क्या करूँ बता। एक काम कर, यही है ना हाँ। इसकी वजह से हो रहा है ना, ये ले इसको ही तोड़ देता हूँ, ये ले मैं इसको तोड़ देता हूँ, नहीं इसकी वजह से हो रहा है ना, ले फिर देखते क्या होता है, ले तो के पैसे कट करके करते ही रहते, ये ले मैं कर देता हूँ, कर तोड़ दो, तोड़ दो। 2 लाख रुपए का भी 2 लाख रुपए है नहीं और तू तोड़ने चला है। मैं ना फालतू में दिमाग मत खराब कर, मैं सच में सबको तोड़ फोड़ कर फेंक दूंगा और फिर पैसे भी कर दूंगा, फिर भी दिमाग मत खराब कर मेरा। दिन पर दिन गुस्सा पहले जैसे बढ़ते नहीं जा रहा, तुझे नहीं लगता है तू वापिस गंदा होता जा रहा है? साइको होती जा रही है, अंडरस्टैंडिंग नाम के लिए एक पर्सन की चीज नहीं है, कुछ गलत थोड़ी ना किया है, खुद के पैसे से ले रहा हूँ, पैसे मैं अभी दूं बाद में दूं, उससे तेरे को क्या फर्क पड़ता है? मैं तेरी लाइफ में हूं तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बाजू वाले को फर्क पड़ने वाला है। काम कर करके ना मेरी रातें आराम होती है, जिसकी कन्वीनियंसी के लिए मैंने बोली है। इसको चीजों को तोड़ने से ना कोई चीज नहीं होने वाली है, पैसे से आती है, फ्री में नहीं आती। तू ही बोल रहा है झाड़ लगा दूं, तो झाड़ लगा के ला रहा है क्या पैसे? जो करना हो कर, मैं मेरे लाइफ में मेरे को जो करना मैं करूंगा, ठीक है यार। इस तरह ऐसा करना है ना तो अपने दोनों के बीच में ना स्पेस ले लेते हैं, ये सारी चीजें ना मैं नहीं सह सकती हूँ। ये ले रहा स्पेस, कंप्यूटर पे स्पेस लगा दिया, अब जा चली जाए यहाँ से, जाने वाली थी ना, जा दिमाग खराब कर रख दिया। जाके रिवील करते रुक जा, ये लो अब तैयार होने बैठी आधी रात को भी। इयररिंग निकाल रही दिखाई दे रहा है, रिकॉर्डिंग का इको कर रहा है मेरे को तू। क्यों अब मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकता, ये फोन है, ये इसके तो पैसे पूरे दिए हुए ना मैंने। तू चाहती क्या है मुझे बता अंकिता? मैं शांति चाहती हूँ। अगर तेरे को यकीन नहीं आता है, तेरे पास नंबर है किनारा का, फोन करके पूछ ले, ठीक है? पूछना किसे? अरे पूछ ले। नहीं तूने जो पूरा कैश लेके लिए है, झूठ, मैं पूछ ले पूछ ले, मैं तेरे साथ थी, मुझे बता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेरी कसम, मत कर, मुझे जिंदा रहना है। मैं तो वीडियो फुटेज दिखाता हूँ, रुक जा। 10 seconds later सीरियसली यार, यार तेरा दिमाग कौन सी जगह पे रखा हुआ है, उसको जला के मैं बर्बाद कर दूंगी। अंकिता यार जरूरी था, मुझे बहुत जरूरत थी लैपटॉप के। अच्छे पर तूने इस तरह से क्यों ब्रेक करा? तूने ये सब कब किया? अपने लोग तो गोवा में थे, अभी तो आए कहां से? गई थी तब मैं एप्पल गया था, तब जाके मैंने पैसे। तो तूने सारे कैश अपने साथ रखे हुए थे? कोई लूट फाड़ लेगा तेरे को
इधर और तुम जो गुस्से में सब कुछ गंदा बोला था मेरे लैपटॉप की इंसल्ट की थी तो मजाक था प्रैंक था कुछ तो बोलूंगा ना मैं पर कॉन्फ़िगरेशन सच में बहुत डाउन थे ले तो सही यार अब तो खुश हो नहीं होने वाले खुश मैं प्रैंक करने वाला हूँ कल मम्मी पे इस बारे में और बहुत ही तगड़ा प्रैंक करने वाला हूँ मम्मी भयंकर गुस्सा आने वाली है किसी को तो छोड़ और यही वाला प्रैंक नहीं करूंगा कुछ नया आइडिया है जिसमें मम्मी बहुत ज्यादा भड़केगी मैं ना साथ नहीं देने वाली तेरे को मैं मम्मी ऐसा मम्मी को बताने वाला गाइस कल से मम्मी पे प्रैंक करूंगा जो आप को नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा तो स्टे ट्यून आप लोग क्या करोगे तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल हिट द बेल आइकन लाइक द वीडियो कमेंट करो वीडियो शेयर कर देना इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड और ट्विटर को फॉलो कर लेना अंकिता के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हीरो में ब्लॉग्स में सारे मिनी ब्लॉग्स आते हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और मैकबुक की करेंगे अनबॉक्सिंग जिसकी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में तो जाकर देख लेना और कांग्रेचुलेशन बोल देना कमेंट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बस बाय गाइस।